होपफुली सेटल्ड हो गए हैं आप सब, और अब मैंने आप लोगों को म्यूट कर दिया है जबरी तौर पे, ताकि सेशन जो है वो स्मूथ चले। कोई भी प्रॉब्लम होती है सेशन में, आवाज़ समझ नहीं आती, स्लाइड नज़र नहीं आती, तो आप चैट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आवाज़ थोड़ी स्लो है रमजान की वजह से, बट मुझे लग रहा है क्लियर तो है। सो लेट अस स्टार्ट। दिस इज एन ओरिएंटेशन सेशन फॉर FCPS एंड MCPS। ठीक है, आपका फॉर्मेट पहले था सिर्फ लॉन्ग केसेस होते थे, एक दिन और एक दिन होते थे आपके टॉक्स, तो अब आपका पूरा एग्जाम एक ही दिन होगा। कुछ केसेस क्लिनिकल होंगे, कुछ केसेस जो होंगे परफॉर्मेंस बेस्ड होंगे। तो अगर इसको कंबाइन किया जाए तो इस पूरी वर्कशॉप का नाम बनता है क्लिनिकल शॉर्ट केसेस एंड एक्सटेंडेड परफॉर्मेंस बेस्ड टॉक्स। ठीक है, मतलब इफ आई विल से 12 स्टेशन हैं, तो 6 स्टेशन कुछ ऐसे हैं जिसमें सारा वो प्योरली क्लिनिकल है। आपने हिस्ट्री लेनी है, आपने डेडी बनानी है, आपने मैनेजमेंट बनानी है, और रिमेनिंग कुछ स्टेशन ऐसे होंगे जिसपे आपने परफॉर्म करनी है, जैसे सर्जरी के हो जाएंगे, काफी सिजेरियन के स्टेप्स बता दें, फिस्टुला के स्टेप्स बता दें, लैप्रोस्कोपी पे हो सकता है, CPR पे हो सकता है। ठीक है, वेरियस नॉट्स कैन बी ट्राइड, कोई लेबर बोर्ड हो सकता है, गाइडी बोर्ड हो सकता है, कोई काउंसलिंग स्टेशन हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस वर्कशॉप को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। अगर आप सिर्फ अपनी क्लिनिकल अप्रोच बेहतर करना चाहते हैं, राइट फ्रॉम हाउ टू टेक हिस्ट्री, हाउ टू मेक डायग्नोसिस ऑन हिस्ट्री बेस्ड इंफॉर्मेशन, और एक स्पेसिफिक या बेसिक एग्जामिनेशन क्या होता है एक पर्टिकुलर डिजीज का, और उसके बाद आपने कैसे अलाइन करना है अपने डेडीज को, क्या उसी रेलिवेंट केस की बेसिक और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन होती हैं, कैसे आप जस्टिफाई करोगे एंड हाउ यू विल मैनेज इट। तो ये सारी चीज़ें आती हैं अंडर क्लिनिकल शॉर्ट केसेस वर्कशॉप। इसमें सिर्फ यही होगा कि हम एक जैसे एनीमिया पकड़ लिया, तो एनीमिया के वेरियस प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे 2 वीकली, हफ्ते में 2 सेशन होंगे। ठीक है, और इसके बाद कुछ स्टेशन ऐसे हैं जिसपे दे आर नॉट दैट मच क्लिनिकल, जैसे मैंने अभी बात किया है पॉप क्यू करवा लिया आपसे, ठीक है, या आपसे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा लिया, या आपसे जो है कोई ग्राफ की इंटरप्रिटेशन करवा ली अलॉन्ग विद ECV करा लिया। तो इस किस्म के जो स्टेशन हैं सारे, उनका नाम मैंने रखा है परफॉर्मेंस बेस्ड टॉक स्टेशन, और ये भी इंटायरली सेपरेट टास्क है। अगर मैं एक एक स्टेशन भी काउंट करूं तो अप्रोक्सीमेटली ये 500+ स्टेशंस हैं। ठीक है, तो ये जो है हम कवर करेंगे सेकंड वर्कशॉप में, इसका नाम है एक्सटेंडेड टॉक्स वर्कशॉप, जो कि प्योरली परफॉर्मेंस और ड्रिल बेस्ड स्टेशंस पे कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैड होम जो आपका फॉर्मेट चेंज हुआ है, उसके लिए मैड होम ने अपनी जो है 2 तरह के वर्कशॉप लॉन्च की है। एक जस्ट टू प्रिपेयर यू फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और दूसरी ये है कि हाउ यू शुड परफॉर्म। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप ये दोनों की दोनों ले लें। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप एक ले लें। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एम्बिग्यूटी थी शुरू से, पीपल आर थिंकिंग कि हम क्लिनिकल शॉर्ट केसेस में हैं तो हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेशन कैसे कवर होंगे, और जो परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेशन की वर्कशॉप में थे दे वर थिंकिंग कि अब क्लिनिकल शॉर्ट केसेस कैसे करेंगे। तो इन दोनों की वर्कशॉप डिफरेंट है, और आप इन दोनों को कंबाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, क्लियर हो गया इधर। अगर आप इन दोनों वर्कशॉप को कंबाइन ज्वाइन करते हैं तो फिर आपके 500 प्रैक्टिस स्टेशन कवर हो जाएंगे, जो सारे मॉड्यूल को एग्जाम पे कवर करेंगे, इंक्लूडिंग यूर प्रीवियस पास्ट टॉक्स पेपर। और अगर आप क्लिनिकल शॉर्ट केसेस भी साथ में ले रहे हैं तो आपके मिनिमम 20 जो ऑब्स के शॉर्ट केसेस हैं वो कवर होंगे, और मिनिमम गायनी के जो केसेस हैं 20 वो कवर होंगे। बट जब पहला ग्रुप स्टार्ट हुआ था तब मेरा प्लान ये था कि मिनिमम 20 हो, बट आज मैंने काउंट किया है तो वो मिनिमम कोई 100 हो गए, नॉट 40 बट दे आर नाउ 100 स्टेशन। तो आप इससे ज्यादा ही करेंगे, और इतनी ज्यादा प्रैक्टिस के बाद कि आप 500 परफॉर्मेंस बेस्ड टॉक सेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं और 100+ क्लिनिकल केसेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कि आपको एग्जाम में
आपको समझ ना आए 0% है, 0%। अगर कोई रेयर केस भी आ गया तो आप लोग इतने ज्यादा मतलब ऑर्गेनाइज होंगे कि आप उसको भी आराम से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो कमिंग टूवर्ड्स दिस, अपने आप पे आप यकीन रखिए, एग्जाम चेंज हुआ है लेकिन सिलेबस नहीं चेंज हुआ। ठीक है, वही इस गाइनी के ऑब्स के मॉड्यूल है, वही डायबिटीज है, वही एनीमिया है। ठीक है, तो बिलीव इन योर सेल्फ, अगर दुनिया में कोई ये काम कर सकते हैं ना तो आप भी कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं है। ठीक है, और ये वाला गाउन आप सब इंशाल्लाह पहनेंगे, इंसानों की तरह पढ़ लोगे तो जल्दी पहन लोगे, वरना पहन तो ये लोग ही। ठीक है, बट इफ यू आर ज्वाइनिंग मेड होम तो आई एश्योर यू कि आप बहुत जल्दी पहनेंगे। ठीक है, बट आई वॉन्ट फ्रॉम माई स्टूडेंट्स कि जो डेली एक्टिविटीज ग्रुप में होती हैं, जो क्विजेज आते हैं, जो मॉक आते हैं, जो लाइव सेशन आते हैं, आप उनको डेली बेसिस पे ही प्रिपेयर हो जाएंगे, या आपको जो असाइनमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने करियर की तरफ सीरियस हो तो फिर जल्दी आपका जो है इंशाल्लाह एग्जाम जो है वो सक्सेसफुली एंड हो जाएगा। अदरवाइज इफ यू आर नॉट सीरियस तो फिर नॉन सीरियस जो अटेम्प्ट्स हैं वो तो फिर यू नो चलती रहती हैं, चलती रहती हैं। तो आप बराए मेहरबानी इफ यू आर ज्वाइनिंग मैडम, हफ्ते में 2 दिन लाइव सेशन होते हैं क्लिनिकल शॉर्ट केसेस के, और एक पूरा मॉड्यूल हफ्ते में होता है। अगर छोटा मॉड्यूल हो तो हम परफॉर्मेंस बेस्ड ऑब्सेशन मॉड्यूल कर लेते हैं। तो ये आपने हफ्ते में ही करना है, एक दिन चले छुट्टी कर ली तो नेक्स्ट डे जरूर करें। हर सेशन के एंड पे आपको कुछ और सिनेरियोज दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए या असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उस दिन नहीं कर सकते तो अगले दिन तो जरूर करें, और अगर नहीं कर सकते तो अपना जो असाइनमेंट है किसी और को आप वॉलंटियर कर दें कि कोई और ले लें, लेकिन उसको ना स्किप मत करें। ठीक है, और ये आपका जो ईच एफर्ट है आपकी टूवर्ड्स योर फाइनल गोल ये काउंट होगी। ठीक है, रूम जो है ना एक ही दिन में नहीं पता होता, स्टेप बाय स्टेप हमें उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है। तो आपका ईच डे, ईच असाइनमेंट, ईच क्वेश्चन मॉक आपका काउंट करता है जो आपको दिया गया है, जो बाकी लोग कर रहे हैं इसलिए तुमको सुन। ठीक है, ओके, सेशन का जो मेरा आई होप कि मैं कर सकूँ कंप्लीट, ये है कि आपकी टाइमिंग और मार्क्स एस्टिमेशन पे कुछ बातें करनी है, जो चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी है जिन गैजेट्स के साथ पे बात करनी है। ठीक है, अब हाल तो रियल एग्जामिनर रियल पेशेंट तो नहीं होगा, लेकिन कोई डम्मी या कोई नो रोल प्लेयर हो सकता है जिसपे आपको कहा जा सकता है कि आप परफॉर्म करें। ठीक है, लेट्स सपोज ग्रिड दी जा सकती है पॉप क्यू की परफॉर्मेंस के लिए, लेट्स सपोज पीए यू हैव टू परफॉर्म। ठीक है, मिनी क्वींस दिए जा सकते हैं, तो परफॉर्मेंस तो करनी है ना, गैजेट्स को तो हम नहीं छोड़ सकते। मैंने फर्स्ट ग्रुप के बाद मुझे अंदाजा हुआ बच्चे तो प्रैक्टिस नहीं करते थे, नॉट गोइंग टू वर्ड्स, तो उनको ये लगता है कि चूंकि पेशेंट नहीं है इस दफा अब एग्जाम में तो क्या जरूरत है जीपी करने की। भाई जीपी के लिए आपको डिफरेंट किस्म के मॉडल्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं, आप जीपी को भी इंसान ही समझें, वैसे ही कंसेंट लें, वैसे ही उसकी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन लिंक नोट्स ये करें अकॉर्डिंग टू योर टास्क। ठीक है, स्पेकुलम एग्जामिनेशन करना, प्रोलैप्स का एग्जामिनेशन करना, अगर आप करोगे नहीं तो आप बोलोगे भी नहीं, तो परफॉर्मेंस नहीं छोड़नी होती। फिर आज के सेशन में आई विल ट्राई कि आपको इम्पोर्टेंट केसेस की लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ, हाउ यू कैन मेक योर नोट्स, हिस्ट्री पे मैंने काफ़ी एम्फसाइज करना आज के सेशन, हाउ टू मेक डिफरेंशियल्स इस पे एम्फसाइज कर, एंड हाउ टू प्लान योर इन्वेस्टिगेशन इस पे एम्फसाइज करना। मैनेजमेंट नहीं मैं इसमें करा सकूँगी आज, सम देयर किसी अच्छे और दिन पे करेंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ कम्युनिकेशन के टिप्स हैं। ठीक है, फाइन सी हैड्स, तो कमिंग टूवर्ड्स योर एग्जाम, आपके शॉर्ट केसेस आज आई थिंक 15th अप्रैल है, टिल दैट जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि 12 स्टेशन होंगे जिनका नाम है एक्सटेंडेड टॉक स्टेशन, उसमें से 5-6 स्टेशन होंगे जो क्लिनिकल होंगे, और कुछ 6-7 या आप इन्हें कह लें 5-6, या अगर हम इनको एवरेज कर लें तो 6 स्टेशन होंगे आपके क्लिनिकल और 6 स्टेशन होंगे
जिस पे आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं उन छह स्टेशन की बात करूँ जो कि जिनको शॉर्ट केसेस कह रहे हैं, जिनको क्लिनिकल शॉर्ट केसेस कह रहे हैं, तो उनमें भी अंडरस्टूड है कि थ्री जो है ऑब्स के होंगे और थ्री गाइन होंगे, ठीक है। और उन पे जो आपको कमांड मिलेगी वो ये होगी कि आप हिस्ट्री ले लें, या तो पेशेंट से हिस्ट्री लें और एग्जामिनर आपको वॉच कर रहा है, ठीक है, या फिर आप एग्जामिनर के साथ डिस्कस करें कि मैंने ये पॉइंट्स पूछे हैं हिस्ट्री में। दोनों तरह की कमांड आ सकती है, बट पेशेंट के साथ कमांड अगर है तो उसमें आपने मेडिकल जगरन यूज नहीं कर लिया, अगर एग्जामिनर के साथ है तो यस यू कैन। ओके, एग्जामिनेशन आ सकता है, हाइपरटेंशन का स्पेसिफिक एग्जामिनेशन क्या होता है, बट यू विल यू नो एग्जामिन इन अ पेशेंट हु कम्स टू यू विद कंप्लेंट ऑफ हाइपरटेंशन। अब जीपी तो आप करते ही हो, बट जब हाइपरटेंशन की बात आ जाती है तो कुछ और चीजें भी तो ऐड करनी होती है ना, ठीक है, जैसे रेडियो रेडियल डिलेज, एनुअल डिलेज, दोनों आर्म्स का डीपी, रिफ्लेक्सेस, एडीमा, ठीक है, आईयूजीआर के लिए डेडिकेटेड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पल्मोनरी एडीमा के लिए डेडिकेटेड एक यू नो चेस्ट एग्जामिनेशन, और सीवीएस कैन बी द सोर्स ऑफ हाइपरटेंशन, तो वो डिफरेंट हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, फिर इन्वेस्टिगेशन पे आ सकते हैं कि इसी पेशेंट की क्या इन्वेस्टिगेशन होंगे, ठीक है, स्पेसिफिक फीटर अलग, मेटरनल अलग। और फिर ये एक अलग से टास्क आ सकता है कि आपने आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन एक स्टेशन पे आपने कर दिया, सेकेंड स्टेशन विल बी लिंक्ड। अब इसी जो आपने पिछले स्टेशन पे हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन पे आपकी असेसमेंट हुई है, नेक्स्ट स्टेशन पे उसी पेशेंट की आप डीडीज डिस्कस करेंगे अनदर एग्जामिनर, या मैनेजमेंट बना अपना प्रपोजल बनाएंगे विद अनदर एग्जामिनर, ठीक है। तो ये थीम है, ये किसी भी क्लिनिकल शॉर्ट केसेस की मतलब प्रोबेबल थीम यही हो सकती है और हो गया सकता है। हिस्ट्री ले लो, एग्जामिनेशन कर लो, इन्वेस्टिगेशन बता दो, मैनेजमेंट बता दो, डीडीज बता दो, और ज्यादा से ज्यादा रिसेंट एडवांसेस बता दो, ठीक है। तो व्हेन वी विल यू नो स्टार्ट आवर क्लिनिकल शॉर्ट केसेस, तो हमारी थीम भी यही होगी। अगर हम ऑब्स के केसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑब्स के जितने भी केसेस हैं वी विल स्टार्ट फ्रॉम मोर फ्रीक्वेंट केसेस, लेकिन छोटे भी नहीं छोड़ेंगे, तो उनकी उनकी हिस्ट्री कैसे लेनी है पेशेंट से या एग्जामिनर से, उनके उनका स्पेसिफिक एग्जामिनेशन क्या है, उनकी जस्टिफिकेशन क्या है, उन पॉइंट्स की इन्वेस्टिगेशन किया और उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, कैसे हमने डीडीज को संभालना, कैसे हमने वेरियस सिनेरियोस को मैनेज करना, ये हम करेंगे, ठीक है। और सेम सिचुएशन गाइन के साथ, ठीक है। ओके, तो अब ये तो हो गए क्लिनिकल शॉर्ट केसेस की बात, तो परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेशन की भी मैं साथ ही कर लेती हूँ जी। तो सेकंड वर्कशॉप आप इन दोनों कंबाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ रील्स एंड परफॉर्मेंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करें, ठीक है। तो हम दो अपनी रीडिंग करेंगे, ये जो स्टेशन हैं रील्स वाले, और पहली रीड में हम इंटायर जो हमारी अप्रोच होगी वो ऑर्गेनाइज होगी, हम सिस्टम वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम छेड़ लें सर्जिकल मॉड्यूल को, तो सर्जिकल मॉड्यूल में जितने भी स्टेशन आते हैं हम उनको तीन चार दिन में कवर कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज सर्जिकल मॉड्यूल में क्या स्टेशन आते हैं, ओब्स में आता है सेक्शन कैसे करना है, क्या स्टेप्स हैं, इसका नोट्स कैसे बनाने हैं, ऑपरेटिव फाइंडिंग्स या सेक्शन के नोट्स को आप क्रिटिकली अप्रेज करना पड़ सकता है। सिमिलरली हिस्टेक्टमी पे आ सकते हैं, सिजेरियन और इलेक्टिव हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी की वेरियस टाइप्स पे आ सकते हैं, हाउ यू विल परफॉर्म, ठीक है। सर्वाइकल टेयर रिपेयर आपको परफॉर्म करना पड़ सकता है, या इसके प्रिंसिपल बताना पड़ सकते हैं, थर्ड कौन सा यूज करना है, ठीक है, स्टिच कैसे लेना है, या ओसिस करना आ सकता है, या एपिजियोटमी परफॉर्मेंस आ सकती है, राइट फ्रॉम यू नो इंडिकेशन टू कॉम्प्लिकेशन, इंक्लूडिंग मैथड ऑफ रिपेयर एंड सूचर डिटेल, ठीक है, और पेशेंट को क्या एडवाइस करना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सर्कलाज की क्या इंडिकेशन है और कैसे लगाना है, कब लगाना है, कब नहीं लगाना, ठीक है, मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, पीपीएच के वैसे स्टेशन, बीलिंच आ गया, कंडम कैथेटर आ गया, यूट्राइन इन्वर्जन आ गया, ठीक है, हेमाटोमा मैनेजमेंट आ गया, ये सारे हैं जो सर्जरी में हम करेंगे।
तो और गायनी की सर्जरीज में क्या सिचुएशंस आ सकते हैं, प्रोलैप्स के काफी आ सकते हैं, पीवीटी, मैनचेस्टर, इंटरोसील रिपेयर, सिस्टोसील सर्जरीज, ठीक है, या फाइब्राइड की सर्जरीज आ सकती है, मायोमेक्टमी आ सकता है, लैप्रोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी वेरी मतलब फेवरेट है ये एग्जाम के लिए, ब्लैडर रिपेयर, यूरेटर एंड गर्ट इंक्रीज के स्टेशंस आ सकते हैं, ठीक है, हाँ पीओसीज या मिसकैरेजेस पे आ सकते हैं। तो हम ये जो हमारी परफॉर्मेंस या ड्रिल की एक्सटेंडेड टॉक्स वर्कशॉप है, इसमें ऐसे ही करेंगे, अगर सर्जिकल मॉड्यूल छेड़ा है तो हर वो सेशन करेंगे सर्जिकल मॉड्यूल में आता है, ठीक है, यूरोगाइनी छेड़ा है तो हर वो मॉड्यूल करेंगे जो यूरोगाइनी में आता है, यूरोगाइनी ग्राफ्स इंटरप्रिटेशन, ब्लैडर डायरी इंटरप्रिटेशन, ठीक है, और वेरियस अदर सिनेरियोस, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन चीजें, ऑनकोलॉजी छेड़ा है तो फिर ऑनकोलॉजी की हर चीज करेंगे, ठीक है, बायोस्टैट छेड़ा है तो फिर सारा कुछ कर लेंगे बायोस्टैट का, फीटल मेडिसिन छेड़ा है तो सारा फीटल मेडिसिन का कर लेंगे, मेटरनल मेडिसिन छेड़ा है तो मेटरनल मेडिसिन का कर लेंगे, लेबर छेड़ी है तो फिर लेबर का कर लेंगे, प्रोटोकॉल या काउंसलिंग छेड़ी है तो फिर ये सारा कर लेंगे, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह काउंसलिंग सेशन हमने भी आई हैव शेयर्ड, आपने देख भी लिया होगा हमने कितने ज्यादा स्टेशन काउंसलिंग के किए हैं, ओबेसिटी, बैक पर का प्रोटोकॉल, लीफ एट अप्रेयल, कॉन्ट्रासेप्शन, मिस्ड पिल, मायरीना काउंसलिंग, तो कुछ नहीं छोड़ा, मेडिकल डिसऑर्डर, और इतना कुछ करने के बाद अगर कोई और अनोखा सा काउंसलिंग सेशन आ भी जाता है तो इतनी तो आप प्रैक्टिस कर चुके हो ना, इतना इजिली क्रैक, ठीक है, प्रैक्टिस में एक समय होगा। तो फर्स्ट रीड हम ये जो परफॉर्मेंस बेस्ड स्टेशन है उनकी मॉड्यूल वाइज या सिस्टम वाइज करेंगे, बट सेकेंड रीड में हम क्या करेंगे, सेकेंड रीड में हम जितने भी पिछले 5-6 ईयर्स के पेपर्स हैं एफसीपीएस के, उनको स्टेशन बाय स्टेशन कवर करेंगे, एमसीपीएस के स्टेशन बाय स्टेशन कवर करेंगे, आईएमएम के स्टेशन बाय स्टेशन कवर करेंगे, और बाय डूइंग दिस आप कोई 500-600 स्टेशन कवर कर चुके होंगे, ठीक है। तो फिर इतना कुछ करने के बाद, इतनी एफर्ट करने के बाद, 0% चांस है आपको ये जो 12 स्टेशन में से 6 परफॉर्मेंस बेस्ड वाले स्टेशन थे आपको ना, ठीक है, और इतना करने के बाद अगर आपको वो आपके लिए डिफरेंट भी है तो फिर भी आप इतने इतने काबिल होंगे कि आप उसको पासिंग नंबर ले सकते हैं। अच्छा, मैंने मेजर मॉड्यूल में एक और 10th सिस्टम भी ऐड किया, वो है एथिकल, जैसे ट्रांसजेंडर के इश्यूज, अबॉर्शन के इश्यूज, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करना, एसटीडीज के इश्यूज, वो जो हम आज तक नहीं करते थे वो अब हम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम क्लिनिकल शॉर्ट केसेस करेंगे और एक्सटेंडेड टॉक्स सेशंस करेंगे, ठीक है। क्लिनिकल शॉर्ट केसेस की क्लास हर फ्राइडे और मंडे को होगी, 2 घंटे की जूम पे, सेम डे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सारा मटेरियल आपके लाइब्रेरी में होगा टिल योर एग्जाम डे, ग्रुप ओपन भी है, स्पेसिफिक भी, और एक पब्लिक ग्रुप भी है, आप उस पर अपनी क्यूरीज छोड़ सकते हैं, व्हेन एवर आई विल हैव टाइम आई विल आंसर, और इस तरह हम इंशाल्लाह हम अपना टास्क अचीव कर लेंगे। और जो एक्सटेंडेड टॉक्स हैं उनकी मोस्टली क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं, बट जैसे सर्जरीज हैं कुछ या कुछ और भी स्टेशन हैं ग्राफ्स के जो आइडियली हो ही नहीं सकते विदाउट 1-to-1 डिस्कशन, वो फिर हम जूम पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हम से हम इंशाल्लाह करेंगे। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस फॉर दिस टायरिंग एंड लेंथी सेशन तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो कुछ और भी चीजें हैं तो मैं इसको भी बता दूँ। अच्छा, मैंने अभी शुरू सेशन के शुरू में बात की परफॉर्मेंस के लिए ना आपने कुछ प्रैक्टिस करनी है, मतलब ये मैनीक्विन पे या रोल प्लेयर पे आपसे परफॉर्म कराया जा सकता है, जैसे गायनी में आपको कहा जा सकता है कि पाप क्यू थ्रेड बनाए, या कैसे आपने पाप क्यू और क्या क्या प्रिंसिपल है, डिफरेंट आपको फाइंडिंग्स दे के आपसे स्टेशन या स्टेजिंग करवाई जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ओब्स में आपसे डिफरेंट बीएमआई कैलकुलेट कराए जा सकते हैं, ठीक है, जेवीपी मेजरमेंट्स आ सकती हैं, और
और भी चीजें हैं कि आपने पेशेंट को कवर कैसे करना है 3 शीट्स के साथ, ये एक सेशन हो सकता है बिलीव मी, कि आप एग्जामिन करें और पेशेंट को आइडियल वे में कवर भी करें, तो इसको हमने देखना। या एक सेशन आ सकता है कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें प्रॉपर वे में, ठीक है, और फिर उसके कंपोनेंट्स पे आपसे बातचीत हो सकती है, उनके लिंक नोड्स पे आपसे बातचीत हो सकती है, ठीक है, और भी बहुत कुछ है। जस्ट 1 मिनट। मैं क्विकली आपको आज की जो पीपीटीज हैं उनका स्लाइड शो दिखाऊंगी, फिर आपके क्वेश्चन आंसर लूंगी, फिर 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद हम स्टार्ट करेंगे यार अपना मेन जो थीम है क्लास का, ठीक है। तो हिस्ट्री कैसे लेनी चाहिए, कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं इसके, ठीक है। हिस्ट्री लेने के कुछ हमने स्टेप्स बनाए हुए हैं, उनपे बातचीत करेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है मोर डिटेल में बात करेंगे, 2 में क्या करना है मोर डिटेल डिस्कशन होगी, 3 में क्या करना है मोर डिटेल डिस्कशन होगी। प्लान कैसे बनाना है, मैनेजमेंट प्लान कैसे बनाना है, उसके क्या कंपोनेंट्स है, और एक आफ्टर डूइंग सो मच एफर्ट फिर एंड पे कैसे हमारी जो है सेटिंग होगी। फिर कुछ प्रैक्टिस सेशंस हैं, जैसे पेशेंट आ गई है ब्लीडिंग के साथ, इन्हीं रूल्स लगा के कैसे हिस्ट्री लेनी है और कैसे हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोसिस बनानी है, ठीक है। अगर नया सब्डोमिन के साथ आ जाता है तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कैसे पहुंचेंगे डायग्नोसिस की तरफ। कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस भी आती हैं जिसमें आपको सिर्फ फोकस्ड बात करनी होती है, जैसे कि एक पेशेंट आ गई है और बता दिया क्रॉनिक हाइपरटेंशन और बता दिया एसओवी है और दे दिया आपको एनीमिया की रिपोर्ट, तो आप बड़े बड़े फोकस्ड होकर हिस्ट्री लेनी है कि पेशेंट को क्रॉनिक हाइपरटेंशन एसओवी के साथ कौन सा एनीमिया होगा। आईडी तो होने से रहा, हेमोलिटिक ही होगा ना, हेल्प होगा, तो फिर किस तरह फोकस होना और किस तरह जनरलाइज होना डिपेंडिंग ऑन द कमांड। फिर इन्वेस्टिगेशन पे बातचीत होगी, इन्वेस्टिगेशन की सिग्निफिकेंसी क्या है, ठीक है, और हर डिजीज की अपनी प्रोफाइल है स्पेसिफिक, वो क्या होती है, बेसिक क्या होती है, फिटल इन्वेस्टिगेशंस क्या होती है बेसिक, और हाई रिस्क में क्या होती है, क्या जस्टिफिकेशंस होगी, ठीक है। एक केस बनाएंगे फिर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एनीमिया में मेटरनल इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगी, फीटल क्या होंगी, फाइनली फिर हम समराइज करेंगे सब चीजों को, और फिर हम देखेंगे कि कोई पेशेंट किसी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट के साथ आता है तो उससे टुवर्ड्स डायग्नोसिस कैसे जाना है, ठीक है। एसओवी और चेस्ट पेन और प्रोटीनूरिया, फिर 3 डेमो सिचुएशंस के साथ या पेन एब्डोमिन के साथ, ठीक है, फिर ड्रिल कर लेंगे इनको, 4 केसेस बनाए तो मैं इन पे कर देंगे। कुछ आपके लिए और टिप्स हैं, ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है इसके संकेत, स्टॉप वॉच की, इस क्लिप बोर्ड की, खुद को रिकॉर्ड करके सुनने की, ठीक है, कुछ मोटिवेशंस की बातें, कैसे आपने फाइल्स बनाएंगे, ओके, स्ट्रक्चर्ड हिस्ट्री, मतलब अगर किसी केस पे कुछ भी नहीं आता ना, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल मिल बैठे हो, तो फिर भी सलाम दुआ कर लोगे, इंट्रोडक्शन करा दोगे, उसको बता दोगे किस लिए आई है, बोलने दोगे, उसके क्वेश्चंस ले लोगे, ठीक है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस करोगे, थोड़ा बहुत बेसिक सेंस हो तो फिर भी इस तरह करके इसको फॉलो करके 3-4 नंबर ले जा सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत स्टेशन पे आता भी हो तो पास हो जाता हो, इस पर भी बात होगी, ठीक है। टिप्स हैं कुछ हिस्ट्री की और काउंसलिंग की, और फिर एग्जामिनर के साथ जो आपका की बॉडी लैंग्वेज है उस पर बातचीत होगी, ठीक है, और फिर फाइनली प्रैक्टिस, डू नॉट प्रैक्टिस टिल यू गेट इट राइट, प्रैक्टिस टिल यू कांट गेट इट रॉन्ग, ठीक है, ओके। फिर इम्पोर्टेंट केसेस की लिस्ट की बात होगी, ऑब्स के, फिर टाइमिंग है, चल चल ही जाएगा, चल।
बस फिर ये लास्ट स्लाइड होगी, बाकी हम कर चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू टेक यूर क्वेश्चंस. यस जी. या तो सब समझ आ गया या तो कुछ नहीं आया. टाइम फॉर योर क्वेश्चंस एंड थ्योरी. नो क्वेश्चन, नो क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम सलाम मैम. ये टाइमिंग क्या होंगी फ्राइडे मंडे को ऑफिस क्लास? रमजान टाइमिंग 2 to 4 PM और फिर रमजान के बाद 3 कर लेंगे, लेकिन रात को मैं नहीं पढ़ा पाती, फैमिली कमिटमेंट्स होते हैं. तो मैं ट्राई करूंगी कि रात आप लोगों को तंग ना करूं, सेशन जितने भी जूम के हों वो दोपहर या शाम में हो जाए. मैम वीक में हाउ मेनी क्लासेस? वीक में 2 होंगी या 1 होगा? नहीं, वीक में 2 तो होती हैं, लेकिन अभी ग्रुप 1 के साथ जो थे कुछ एडिशनल केसेस हमने किए, तो हमने 3-3 क्लासेस पर वीक भी करनी थी. मतलब 2 से ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होती. ओके मैम. क्वेश्चन तो पूछने चाहिए ना. मैम बुक का, बुक्स आप क्या रिकमेंड करेंगे हमें टॉक्स के लिए और शॉर्ट केसेस के लिए? अब ये न्यू पैटर्न के हिसाब से, न्यू पैटर्न के हिसाब से ठीक है. लेकिन न्यू पैटर्न के हिसाब से तो मैं नहीं बता रही, आपका सिलेबस सेम ही है ठीक है. और मेरी 1-2 किताबें हैं टॉक्स के लिए. एक है वॉल्यूम 1, जिसमें जैसे मैंने मॉड्यूल वाइज पढ़ाया ना आपको, सर्जरी के स्टेशन जैसे बताए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरी बुक में सर्जरी का प्रॉपर एक स्टेशन मॉड्यूल है जिसमें वो सारा कुछ मैंने लिख दिया है. तो इफ यू आर लिसनिंग मी एंड रीडिंग फ्रॉम दिस बुक तो बस काफी. और जब हम पास्ट पेपर स्टार्ट करेंगे तो वो वॉल्यूम 2 में सारे लिख देंगे, वो आप सुनेंगे भी, हम करेंगे वीडियो डिस्कशन होगी उसकी, वीडियो पेपर होंगे, तो अब साइड बाई साइड आपके पास बुक भी होगी ठीक है. हाँ जब हम आ जाते हैं क्लिनिकल शॉर्ट केसेस पे, तो इसके लिए एक ही बुक है मेरी, मेरी अभी गायनी की, होप्स की, बस लिख ही नहीं पा रही. मतलब कंपाइल बस वो होपफुली मेरी ओप्स की बुक, मैं 90% तो आउट कर ही चुकी हूँ. अब एबीसी ग्रुप में देखने हैं, काफी स्टेशंस बता चुकी हूँ, और जो अभी ग्रुप बंद में कराए हैं वो भी बुक से ही कराए हैं ठीक है. तो मेरे जो, मेरी जो पीपीटीज होती है वो मेरी बुक्स ही होती है ठीक है. तो क्लिनिकल शॉर्ट केसेस के लिए गायनी की क्लिनिकल सेंस बुक है, इनसाइट के नाम से ठीक है, ओब्स की पेंडिंग है. तो ये 3 बुक्स हैं और डेफिनेटली यू हैव टू हैव दीज बुक्स अगर आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि बच्चों के पास हार्ड कॉपी हो. हार्ड कॉपी से अच्छी कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है. आपकी अपनी हार्ड कॉपी, इस पे आपके छोटे छोटे नोट्स, हाइलाइट्स, आपकी पेज मेमोरी, नो रिप्लेसमेंट. मैम काफी लोग कह रहे हैं कि MRCUG 3 के पैटर्न पे जो है वो एग्जाम आएगा, तो मैम एग्जैक्टली ये पैटर्न है क्या? MRCUG 3 तो NHS के सिस्टम पे चलती है, हमारा तो हमारे पास कोई NHS का सिस्टम ही नहीं है रेफरल का. हाउ इट इज पॉसिबल? मैं ये नहीं कह रही कि ना करें, मैं जब आपके सेशन लेती हूँ तो मैं काफ़ी सेशन सुनती हूँ MRCUG 3 के, फिर उसको मैं ना ऑर्गेनाइज करती हूँ अकॉर्डिंग टू CPSC स्टाइल ठीक है. तो कहा जा सकता है MRCUG 3 पे होगा 50-60%, लेकिन 100% नहीं. बट इफ यू आर इन, यू नो, इन दिस वर्कशॉप, तो फिर यू शुडंट बी वरीड, चाहे ये MRCUG पैटर्न पे है या चाहे ये CPSC का अपना प्योर स्टाइल है, बाय एनी मीन यू विल बी एबल टू पास दैट स्टेशन अगर आप सिंसियरली, सीरियसली, रिलीजियसली ग्रुप को, असाइनमेंट्स को, सेशंस को फॉलो करें ठीक. ओके मैम, थैंक यू.
अस्सलाम वालेकुम मैम. मैम ये कितने वीक्स का हो कोर्स? 40 डेज का. मैम इतने दिन हमें अब दरमियान में मिल जाएंगे ना? ये तो कह रहे हैं पता नहीं ईद के बाद रिजल्ट आएगा, अब कोई पता भी नहीं है रिजल्ट क्या देते हैं ये, तो दरमियान में मतलब इतना टाइम पीरियड दे देंगे हमें? आराम से, आप लोगों के तो मुझे हैं. जून में आई थिंक एफसीपीएस का होगा, जुलाई में एनसीपीएस का होगा, तो काफी टाइम है. इतना टाइम कभी किसी को नहीं मिला. और मैम ये हमारे जो शॉर्ट केसेस होंगे, आपसे जूम मीटिंग पे आप कह रहे हैं ना कि डिस्कशंस होंगी, और जो टॉक्स है मैडम उनका क्या सीन होगा, वो किस तरह से हम करेंगे? अच्छा मैं आपको कुछ दिखावा ही देखते हैं, बस एक मिनट. जी आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर. देखिए लेट्स सपोज अगर हमने काउंसलिंग मॉड्यूल किया है, तो इस तरह हम इस मॉड्यूल में आपने ये टास्क करना है, आपको मिल जाएगा. फिर इसको कैसे अप्रोच करना है, छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, पॉप क्यू कैसे करना है, मेडिकल डिसऑर्डर की काउंसलिंग कैसे करनी है, सारी एनोमलीज की काउंसलिंग कैसे करनी है, राइट, ओबेसिटी की कैसे करनी है, ओवेरियन मैलिग्नेंसी और बरका की कैसे करनी है, मिस्ड पिल काउंसलिंग के स्टेशंस, लीफलेट अप्रेजल. ठीक है, और अगर हम बायोस्टैटिक का मॉड्यूल करेंगे तो इसमें हमने क्या कवर करना है, ये मेरी बुक है वॉल्यूम 1. ठीक है, जिसमें मैं आपको सिस्टम वाइज पढ़ाती हूँ. ओके, और एक मेरी बुक है पास पेपर्स के लिए. खैर मैं दिखाती हूँ, लेट्स सपोज प्री एंडोमेट्रियोसिस के वेरियस पिक्चर्स हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, एंड फिर इसके बाद लेट्स सपोज काउंसलिंग के कंपोनेंट्स चल रहे हैं अभी. ठीक है, मेडिकल डिसऑर्डर के सारे स्टेशंस कंपाइल कर दिए हैं, जो सिस्टम वाइज मैंने आपको भी बताया है. HIV को कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, लेबर काफी इसके हैं, इंडक्शन, मतलब इस तरह करके ना हम मॉड्यूल वाइज पॉसिबल सारे स्टेशंस जो हैं वो कवर कर लेंगे. बट आप ये देख रहे हैं ना, इनमें से काफी ज्यादा जो हैं वो रिकॉर्डेड हैं. जैसे अब लैप्रोस्कोपी स्टेरोस्कोपी का पेंडिंग है सर्जरी में, वो पॉसिबल ही नहीं था, तो वो हम फिर जूम पे करेंगे. ठीक है, तो अच्छा ये मेरा था पिछला ग्रुप टॉक्स का, नहीं क्लिनिकल शॉर्ट केसेस का. इसमें अगर आप देखें तो हमने हमारे कितने सेशंस हो चुके हैं. टीबी पे हो चुका है, एंडोमेट्रियोसिस और अर्ली प्रेगनेंसी पे हो चुका है, अमन. ठीक है, बीवीएफ पे हो चुका है, पीयूएल या प्रेगनेंसी अपन लोकेशन पे हो चुके हैं, आईयूजीआर और डोपलर इंटरप्रिटेशन पे हो चुका है, ट्विन प्रेगनेंसी एनीमिया पे हो चुका है, ओब्स कोलेस्टेसिस पे हो चुका है, कार्डिक डिजीजेस पे हो चुका है, हाइपरटेंशन पे हो चुका है, आईयूजीआर पे हो चुका है. ठीक है, डायबिटीज पे हो चुका है, एनीमिया प्रॉम डायबिटीज मिक्स करके हो चुका है, थैलेसीमिया पे हो चुका है, वी बैक इंडक्शन पे हो चुका है. ठीक है, एंडोमेट्रियल बायोप्सी के क्वेश्चन कैसे टैकल करने हो चुका है, प्राइमरी मेनोरिया पे हो चुका है, वीवीएफ के साथ यूवी प्रोलैप्स पे हो चुकी है, मेलिग्नेंसीज पे हो चुकी है, इनफर्टिलिटी पे काफी हो चुकी है, इनफर्टिलिटी फाइब्रॉइड के साथ क्या करना है, पीसीओ के साथ कैसे करना है, मेल इनफर्टिलिटी को कैसे देखना है.
ठीक है, और फेटल एनोमलीज कैसे देखनी है, एचएमबी के केसेस कैसे करने हैं, एयूबी के केसेस कैसे करने हैं, ठीक है। और ये मेरी बुक है गायनी के केसेस के लिए, आप बात कर रहे थे ना, देख क्लिनिकल शॉर्ट केसेस के लिए कौन सी बुक है, तो ये गायनी केसेस के लिए, ऑब्स केसेस के लिए, तो अभी मैं अवेलेबल इंशाल्लाह करूँगी नेक्स्ट मंथ तक इफ आई कैन, तो दिस इज लाइक दैट जी। एनी अदर क्वेश्चन? आप डॉक्टर क्या बता रही थी, वाइवा हमारा कब तक होगा जी? आप बता रही थी वाइवा कब तक होगा हमारा? एमसीपीएस का तो जुलाई, और वो भी एंड ऑफ जुलाई, और एफसीपीएस का जून, आई थिंक डेट्स भी आ गई हैं, क्या आई हैं एफसीपीएस की डेट्स? 26 जून है, हां तो वो जून का एंड है, कहां मेंशन है? एबीसी ग्रुप में आया हुआ है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम मैम हिरा। वालेकुम सलाम मैम, ये 40 डेज के अंदर दोनों वर्कशॉप हो जाएंगी कंप्लीट? अगर ना भी हुई, लेट्स सपोज अभी जैसे ये जो मॉड्यूल है ना, ये 500 प्रैक्टिस सेशंस का, ये अगर 40 डेज में ना हुआ तो 50 में हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, दो दिन की क्रैश कोर्स कराऊं और आपको सारा कुछ पढ़ा दूं, नियर टू इम्पॉसिबल है। 10 डेज का आपको कहूँ कि कर लें, मैं पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है जी। तो 40 डेज तो ना मिनिमम है, पिछला सेशन 40 डेज का था, लेकिन कुछ केसेस थे जो कि उस अंदाज में नहीं हो पा रहे थे जैसे मैं करवाना चाह रही थी, तो फिर वो लंबा हो गया 40 डेज, तो क्या वो 50-60 डेज का बन गया जी। जी ठीक है डॉक्टर, ये हमारा रिजल्ट अभी तक आया नहीं। देखिए रिजल्ट, इफ यू आर एमसीपीएस कैंडिडेट ऑब्वियसली 2-4 दिन में आ जाएगा, लेकिन नहीं भी आता तो मैं ये कह रही हूँ सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है ना, डायबिटीज एनीमिया को और मैच्योर पढ़ लोगे, तो अगर खुदा ना खासा एग्जाम रिपीट कर रहे हो तब भी फायदे में हो, या डूइंग नथिंग आर जस्ट वेटिंग फॉर रिजल्ट, या डूइंग समथिंग एंड यू नो मूविंग फॉरवर्ड, कौन सी ऑप्शन अच्छी है? Moving forward, ma'am. अच्छा मैं men moving forward of course में ज़्यादा अच्छा है। अभी जो है मेरे theory FCPS theory के जो candidates हैं anemia कर रहे थे and उनकी बड़ी अच्छी queries थी anemia पे, तो मुझे ये लगा कि ये जो paper है जिस तरह के ये recalls आए हैं ये अच्छा हो सकता था अगर इनमें से ये बच्चे इफ दे हैव टाइम एनीमिया को अच्छा से कर लेते इसी वे में। लेट्स सपोज दिस टेक मिनट एनीमिया की मैम, अगर बाद में ज्वाइन करें जैसे रिजल्ट आने के बाद तो पिछला कवर हो जाएगा? ऑब्वियसली हो जाएगा, लेकिन आज का दिन आपका तो मैटर करता है ना। अब लेट्स सपोज ये एक आप लोगों, अब अगर आप एमसीपीएस के कैंडिडेट हो, आपके काफी क्वेश्चन ऐसे थे जो क्लिनिकल थे काफी हद तक। अब एनीमिया, सिंपल एनीमिया की बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल थ्योरी ग्रुप में एमसीपीएस के साथ एनीमिया कर रहे, तो कमिंग टुवर्ड्स दिस के स्टेजेस ऑफ एनीमिया क्या होती हैं, या आपकी थ्योरी में कहीं कोई नहीं बताने वाला, नेवर एवर। मुझे पता है कि मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन एक किसी पे डालने के लिए मुझे मतलब 2-4 दिन लग गए हैं कंजक्टिव, और फिर इस तरह इस इन्वेस्टिगेशन को टू द पॉइंट जस्टिफाई करने के लिए कि हेमाटोक्रिट क्या होती है, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है, ठीक है, फेरेटिन का क्या स्पेसिफिक रोल है, एनीमिया की स्पेसिफिक प्रोफाइल क्या है, आपके अगर थ्योरी क्वेश्चन में भी आती है तो क्या है, आप तो कहते हो एमसीबी, हालांकि प्रेगनेंसी में एमसीबी ने ज्यादा होना होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज है उसका, हाउ इट इज सेंसिटिव, पेरिफेरल फिल्म हुई ना, मोर एक्यूरेट फॉर टाइपिंग इन, ठीक है, और देन आफ्टर दिस फेरेटिन, अब एनीमिया के बाद सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन, बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फेरेटिन है, हाउ इट इज फेरेटिन, पेरिफेरल फिल्म पे अगर बड़े सेल्स आ गए तो फेरेटिन तो नहीं कराओगे ना, कोलेट कराओगे, ठीक है। तो बाय एनी मीन अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि हमारी थ्योरी पास नहीं हुई और
हम क्यों पढ़े नेक्स्ट क्लिनिकल शॉर्ट केसेस, तो इसमें आपका फायदा ही है. अगर आप पास होते हो तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हो, आपने कोई दिन जाया नहीं किया. और अगर खुदा ना खास्ता फेल भी हो जाते हो तो आपने दोबारा एग्जाम को हिट करना है विद मोर एक्सपीरियंस. ये बातें तो आप नहीं करने वाले थ्योरी में क्लिनिकल. और जो आपके 30-40 क्लिनिकल क्वेश्चन होते हैं वो कौन सॉल्व करेगा? हाल तो मैं अपने सेशन में बड़ा एम्फेसाइज करती हूँ, बताती हूँ, ठीक है, लेकिन एक डेडिकेटेड क्लिनिकल सेशन तो डेडिकेटेड क्लिनिकल सेशन है. क्या ख्याल है? अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स दिस, एक और इम्पोर्टेंट चीज है आजकल मैं कर रही थी. ओके, तो इन्वेस्टिगेशन टॉर्जन की फर्स्ट लाइन क्या है? अल्ट्रासाउंड है, सेंसिटिव क्या है, डोपलर है. सेकंड लाइन क्या है? सीटी एमआरआई है. ट्रीटमेंट क्या करना है? मतलब बड़े ऑर्गेनाइज्ड वे में आप करोगे शॉर्ट केसेस में, ठीक है. तो नुकसान नहीं है अगर आपका थ्योरी पास नहीं है या आपकी यू नो थ्योरी का रिजल्ट नहीं आया. एटलीस्ट क्लिनिकल शॉर्ट केसेस अगर आप करते हो कहीं से भी, मैडम के साथ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो यू आर नॉट यू नो यू आपकी विन विन सिचुएशन है, ठीक है. तो ये काफी सिनेरियोज हैं. और अभी आजकल हम ये प्रिपेयर कर रहे थे प्रॉबर्टी मैनोरेजिया और ब्लीडिंग डिसऑर्डर पे. तो अच्छा जो सोल्यूशन, अच्छा जो स्टेप है, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया और या बुरा आया है, और इफ यू आर यू नो आपके एग्जाम में काफी टाइम है, एमसीपीएस का टाइम ज्यादा ही है, नेक्स्ट एग्जाम भी सितंबर या अक्टूबर के शुरू में होगा, तो एक अच्छे कैंडिडेट को क्लिनिकल शॉर्ट केसेस तब ज्वाइन नहीं करना चाहिए जब उसकी थ्योरी पास हो गई. उसको तब ज्वाइन करना चाहिए जैसे ही उसने रेजिडेंसी स्टार्ट की है. आपका तो एम ही होना चाहिए ना कि एग्जाम एक ही गो में निकले. ये तो नहीं होना चाहिए कि 3 अटेम्प्ट में आप थ्योरी क्लियर करें या फिर 3 अटेम्प्ट में आप अपना क्लिनिकल क्लियर करें. आपकी अच्छी अप्रोच तो ये होनी चाहिए ना कि सारे कंपोनेंट्स एग्जाम के साइड बाय साइड करें और एक ही अटेम्प्ट में करें पास. और जो लोग करते हैं क्या वो कोई आपसे ज्यादा उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है या उनके पास ज्यादा आपसे कोई डेज आवर्स होते हैं? आप ही जैसे ही होते हैं. अब क्लिनिकल शॉर्ट केसेस में आप आईटीपी वन बिली ब्रांड उस अंदाज इतना अच्छा कर लोगे कि थ्योरी में आप इतना नहीं करते. और ये इंसान की ना साइकी है कि जब तक उसको एक लाइव एग्जाम्पल ना मिले ना वो इतने अच्छे अंदाज में नहीं पढ़ता. मतलब एक ड्राई से टॉपिक आईटीपी या वन बिली ब्रांड तो वो तो ड्राई रहेगा, बट एक मरीज मिल गया ना इसका आईटीपी का या वॉन ब्लेबेंट का, ये कभी नहीं भूलेगा कब स्टीरॉइड देना है, कब आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है, कब कंसेंट्रेट देने हैं,
कब डेस्मोप्रेसिन देंगे, तब नहीं भूलेगा जब एक दफा ये पेशेंट हाथ से निकल गया। चले 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं और फिर हम आज का सेशन, ठीक है, नमाज पढ़ लें आप लोग, फिर हम करेंगे हिस्ट्री कैसे लेनी है, ठीक है। चलो 5 मिनट्स ब्रेक, ठीक है।